लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। व्हाट्सएप पर हुई ग्रुप वीडियो कॉलिंग की शुरुआत, ऐसे करें यूज इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर फर्जी खबरें वायरल होने की वजह यह विवादों में है। इसी बीच कंपनी ग्रुप वीडियो कॉलिंग का नया फीचर लेकर आ रही है। फेसबुक के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में पहले ऑडियो कॉलिंग की शुरुआत हुई, बाद में वीडियो कॉलिंग आया और अब ग्रुप वीडियो कॉलिंग की शुरुआत हो चुकी है। डेवलपर कॉन्फ्रेंस F8 में कंपनी ने इसका ऐलान किया था। ग्रुप कॉलिंग वीडियो के लिए ही नहीं बल्कि ऑडियो के लिए भी है। व्हाट्सएप के मुताबिक वीडियो कॉलिंग का ये फीचर लाइव कर दिया गया है। आज से ये दुनिया भर के iOS यूजर्स और एंड्रॉयड यूजर्स को मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप कॉलिंग में 4 यूजर्स एक साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। ग्रुप वीडियो कॉलिंग नया नहीं है, कई एप्स ऐसी सुविधा देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि इस फीचर को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत न हो। कंपनी ने कहा है कि यह वीडियो कॉल टू अनक्रिप्टेड होंगे जैसे व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो कॉलिंग की शुरुआत करने के लिए यूजर को सबसे पहले एक कॉल लगाना होगा, इसके बाद आप 2 लोगों को ऐड कर सकते हैं। इस फीचर के बाद दूसरे वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्काइप को टक्कर मिलने की उम्मीद है। व्हाट्सएप का यूजर बेस बड़ा है और दुनिया भर में इसके 1.5 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। गौरतलब है कि फेसबुक की ही कंपनी इंस्टाग्राम ने वीडियो कॉलिंग का फीचर हाल ही में दिया है। कुल मिलाकर फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इन सभी फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर अब वीडियो कॉलिंग की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपके व्हाट्सएप में ये फीचर नहीं आया है तो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से ऐप अपडेट कर सकते हैं।